सुजानगढ़ शहर से 17 जुलाई को गुम हुए 47 वर्षीय राजेश सांखला के मर्डर का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। खुलासे को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने सदर थाने में प्रेस वार्ता का आयोजन कर मीडिया को बताया कि हैदरतली निवासी सुजानगढ़ को मृतक राजेश सांखला ने 30,000 रुपए ब्याज पर दे रखे थे। उन्हीं रुपयों के तकाजे को लेकर 17 जुलाई को हैदर ने कहा कि मेरे खेत में कुछ रिश्तेदार हैं, उनसे मैं पूरा पैसा आपको दिलवा देता हूं। इसी बहाने से हैदर राजेश सांखला को खेत में ले गया, वहां पर फावड़े के डंडे से सिर पर पीछे से 4 वार किए। एसपी ने प्रेस वार्ता में बताया कि ब्याज का काम करने वाले राजेश के बारे में हैदर ने बताया कि उससे 50,000 रुपए वापस मांगे जा रहे थे, जिनमें से 12,500 रुपए वह दे चुका था। एसपी ने बताया कि मृतक के सिर में डंडे से पीछे की तरफ 4 चोटें हैं, जबकि चाकू के भी 2 निशान हैं। और आरोपी हैदरतली निवासी सुजानगढ़ की निशानदेही पर पुलिस ने आज खेत से शव को जमीन में से बाहर निकलवाया। मौके पर एएसपी सुनील कुमार, उपखंडाधिकारी मूलचंद लुणिया, डीएसपी राम प्रताप विश्नोई, सीआई मुकुट बिहारी मीणा, सीआई मनोज कुमार मुंड, तहसीलदार प्रवीण कुमार आदि मौजूद रहे। खेत में ही मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया और शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपा। डीएसपी राम प्रताप विश्नोई ने बताया कि घटना वाले दिन ही आरोपी हैदर ने फावड़े का नया डंडा खरीदा था और घटना से पहले वह डंडा और चाकू अपने साथ खेत में लेकर गया था। डीएसपी ने बताया कि इस मामले में सीआई मुकुट बिहारी मीणा, सीआई मनोज कुमार मुंड, हेड कांस्टेबल प्रेमाराम, महावीर विक्रम आदि की काफी अच्छी मेहनत रही और पुलिस इस प्रकरण का पटाक्षेप करने तक पहुंच पाई। वहीं इस मामले में आरोपी हैदर घटना के बाद फरार नहीं हुआ, वह काफी शातिर निकला और शातिरी दिखाते हुए गुमशुदा व्यक्ति के परिवारजनों का हमदर्द बन गया और कहता रहा कि राजेश सांखला मुझे यह कहकर गया था कि मैं बिलाल काजी के पास जा रहा हूं। इसी बात को लेकर पुलिस बार बार बिलाल काजी से ही पूछताछ करती रही, लेकिन हाईवे की तरफ लगे सीसीटीवी पुलिस के लिए मददगार बने और घटना का खुलासा हो सका। एसपी राजेश मीणा ने बताया कि पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड लेगी और आगे अनुसंधान करेगी कि इस मामले में कुछ सच्चाई और निकलना बाकी है अथवा नहीं। दूसरी ओर आरोपी इतना शातिर निकला कि किसान धर्मकांटे के पास से खेतों की ओर जाने वाली गली में से करीब 4-5 किलोमीटर आगे स्थित खेत में घटना को अंजाम दिया। यहाँ स्थिति यह है कि केवल खेती से संबंधित किसान यहाँ से गुजरते हैं, बाकी यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। खेत में भी आगे चलकर घटना को अंजाम दिया ताकि बाहर से किसी को कोई शक सूबा न हो। ये राजेश शाकला की जो एमपीआर रिपोर्ट है 18 तारीख को दर्ज हुई, उसके बाद 23 तारीख को इनका जो अपहरण का केस दर्ज हुआ था। इसमें जो विभिन्न टीमें हैं वो जो भी आरोपी थे संदिग्ध थे जिनके पूछताछ कर रही थी, सीसीटीवी कैमरा वगैरह देखे, और जो अभी हमने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, हैदर नाम है उसका, और जो उसकी बॉडी को रिकवर किया है और उसका जो पोस्टमार्टम कराकर उसका आगे की कार्रवाई की है। इसमें जो मुख्य कारण है उसके हत्या करने का पीछे की है, इसने उससे उधार रुपए ले रखे और दे नहीं पा रहा था और उस उधार पैसों का तकाजा करने पर इस तरह की वारदात है। सर, किस प्रकार के हथियारों से वारदात की गई है और अन्य लोगों के शामिल होने की कोई आशंका है? इसमें हम आगे अनुसंधान कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया जो एक लाठी है उसके जो सिर पर चोट मारी है उसकी वजह से यह हत्या हुई है, और अन्य जो भी इसके पीएम में जो मेडिकल में रिपोर्ट में आया है और बाकी चीजों की रिकवरी के बाद ही हम बता पाएंगे कैसे इसकी हत्या हुई। कितने दिन उसके जो अनुसार है, आरोपी के अनुसार जिस दिन ये मिस घर से निकला था उसी दिन इसकी हत्या कर दी। जो मृतक है और उसके साथ एक चान है, ये दोनों ये काम करते थे, ब्याज पे पैसा देते थे काफी लोगों को, और फिर इस तरीके की जो ब्याज पे ऊंची रेट पे पैसे देने का काम करते थे, और इसी चीज को लेकर इस व्यक्ति ने घटना कर दी।